चलिए अब ऐसे केस के बारे में बात करते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, यानी अंकुर अरोड़ा का मर्डर केस। और इस समय मेरे सामने केके जी है, तो आइए उनसे जरा बातें करें और उनके रोल के बारे में सबसे पहले उनसे जाने। मैं एक डॉक्टर का रोल निभा रहा हूँ जिसका नाम अस्थाना है, वशिष्ठ अस्थाना। वो टॉप सर्जन है इस कंट्री के और बहुत सारी जानें बचाई हैं और अपने काम में बहुत ही माहिर है, तो ऐसा एक किरदार निभा रहा हूँ। जब आप ये रोल करते हैं तो शूटिंग के दौरान क्या चेंजेस आपके अंदर आए? इतना बड़ा रियल इशू पे ये मूवी बनी है, क्या अलग से चेंज आया, क्या सोचा आपने इसके बारे में? नहीं, मैं कोई रोल करते समय मैं अपने व्यक्तिगत जो भी है मेरा जो भी है उसको मैं बदलता नहीं हूँ, मैं वही इंसान हूँ। मैं फिल्मों को काम करते वक्त बहुत सीरियसली लेता हूँ, अपने आप को उतना सीरियसली नहीं लेता हूँ, तो इसलिए ऐसे कोई बात ऐसा नहीं है कि मैं फिल्म कर ली और मेरी मनस्थिति बदल गई, ऐसा नहीं होता। अगर आप ही के रोल की बात करें तो अक्सर हमने आपको सीरियस रोल में देखा है और पसंद भी किया है बहुत ज़्यादा, तो क्या आप इसी टाइप के रोल मतलब पसंद करते हैं या सिर्फ स्क्रिप्ट की डिमांड है जैसी, क्या मतलब रोल आपका ये कैसा रहता है, क्या डिमांड? मुझे पता नहीं, अब हनीमून ट्रैवल्स सीरियस रोल थी या नहीं, संकट सिटी नहीं, मैं मेरी पत्नी और वो नहीं, तो ऐसे बहुत सारे है वो जनरली आपको सीरियस रोल में एक इमेजिन। ये पसंद नापसंद तो इंडिविजुअल बात है, वो उस पसंद के लिए मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। मैं जो भी है वो उस चीज़ को मैं कोशिश करता हूँ कि जो किरदार है उसको निभाऊं, उसके अंदर अगर ह्यूमर है तो पेश किया जाएगा, अगर सीरियस है तो सीरियस है। तो मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को ज़रा बता दीजिए कि ये मूवी क्यों खास है और क्यों देखनी चाहिए। बस जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे एक ही कारण है, एक तो बहुत ही ऑनेस्टली बनाई गई फिल्म है और जहाँ तक इस फिल्म का सवाल है बहुत ही बिलीवेबल तरीके से बनाया गया है, आके ये फिल्म को देखिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। तो ये थे केके जी जिनसे हमने जाना कि इनकी फिल्म देखना क्यों ज़रूरी है, तो आप भी देखिए अंकुर गदर केस। बहुत चिंतित से निकाला मैंने एक नहीं हजारों ऐसे लोगों को जिन्हें तुम्हारा भगवान अपने पास बुला रहा था। तुम्हारा भगवान जब लोगों को तकलीफ देता है तो लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनकी तकलीफ दूर करता हूँ।